पिछले चैप्टर के अंदर हमने वेरियस वेल्डिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि विभिन्न वेल्डिंग क्रियाएं कौन कौन सी हैं और उनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, उस चैप्टर के अंदर हमें जाना था कि भाई वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसको कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें, ठीक है, जैसे प्रेशर नॉन प्रेशर के आधार पर, ठीक है, या जोड़ी जाने वाली धातुओं के आधार पर, तो हमने वो चीज़ें जानी थी और देखा था कि एडवांस वेल्डिंग कौन कौन सी है उनके बारे में भी हमने देखा था। ठीक है, वेल्डिंग के बारे में समझने की कोशिश की थी कि कौन सी वेल्डिंग किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भाई आर्क एंड गैस वेल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, आज हमें आर्क और गैस वेल्डिंग के बारे में जानना है, कैसे वो काम करती है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की। तो आर्क वेल्डिंग हमारी बेसिकली एक प्राचीन पद्धति है, काफ़ी जो है बेसिक वेल्डिंग है। वेल्डिंग की शुरुआत आर्क वेल्डिंग से ही मान सकते हैं हम। ठीक है, आर्क और गैस बेसिक वेल्डिंग है हमारी, उसके बाद उन्नत तकनीकें कई आ चुकी हैं, विग डिग वगैरह, फ्रिक्शन वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, बहुत प्रकार की उन्नत इसमें आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये बेसिक वेल्डिंग्स हैं। तो आर्क वेल्डिंग जो है, आर्क वेल्डिंग की खोज 1801 ईस्वी में सर एम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है, सर एम्फ्री डेवी ने की थी, पर ऐसा नहीं है कि केवल खोज हो जाने से इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। ठीक है, अगर किसी चीज़ की खोज हो जाती है तो उसको विश्व स्तर पर फैलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो 1900 ईस्वी तक इस पर रिसर्च चलती रही, इसके अंदर जो त्रुटियाँ थी उनको दूर किया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है प्लग्स रही, इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते थे जो बार बार चिपकते थे, वेल्डिंग कर पाना कठिन था। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें दूर की गई। ठीक है, और अंततः 1925 के अंदर इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि उद्योगों के अंदर यह है विश्व लेवल पर प्रचलन में आ गई थी। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गया था 1925 के अंदर आर्क वेल्डिंग का। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग में कई प्रकार की मशीनें बनाई गई, जैसे ऑयल कूल्ड और एयर कूल्ड के बारे में मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो उस प्रकार की मशीनें बनाई गई, एसी डीसी पर आधारित मशीनें बनाई गई, करंट पर आधारित मशीनें। ठीक है, तो 1925 में इंडस्ट्री में उपयोग शुरू हो गया था। अब हमें देखना है कि काम कैसे करती है। ठीक है, कोई भी वेल्डिंग अगर हम लेंगे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि काम कैसे करती है। तो इसमें क्या होता है, इस वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड और बेस मेटल का मतलब या जोब का मतलब होता है ऐसे दो पार्ट जिनकी वेल्डिंग हमें करनी है, जिनको हमें जोड़ना है, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस मेटल या जोब बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड एक प्रकार की ऐसी सामग्री होती है, फिलर मेटल होता है, जिसमें क्या करते हैं हमें जोब को पिघलाते हैं और पिघलाने के बाद उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड और जोब के बीच में जब वो बनाई जाती है, आर्क बनाई जाती है, तो आर्क की गर्मी से बेस मेटल भी पिघलता है और इलेक्ट्रोड भी पिघलता है, और पिघलने के बाद क्या होता है, जो खाली जगह होती है जोड़ की, उसके अंदर ये पिघली हुई धातु जमा होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये जमा होती चली जाती है। ठीक है, और जोड़ को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, तो इस वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आर्क वेल्डिंग का होता है वो। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इससे आंखों में जलन हो जाती है, लाइट लग जाती है। तो अगर इतने ज़्यादा टेम्परेचर को अगर हम देखेंगे नंगी आंखों से, तो लाइट लगना स्वाभाविक है। ठीक है, अगर गर्मी के दिनों की बात करें तो गर्मी में क्या होता है, अगर 45 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चला जाता है तो हम पसीने से बड़े परेशान हो जाते हैं, इतनी गर्मी हमें लगनी शुरू हो जाती है। कभी पाउडर ट्राई करते हैं हम, कभी बार बार नहाते हैं, कभी बर्फ़ का पानी पीते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें ट्राई करते हैं कि भाई हमें राहत मिले। ठीक है, अब 4000 डिग्री सोचो, किसी चीज़ के ऊपर टेम्परेचर गिरेगा तो कितनी लाल गर्म हो जाएगी। ठीक है, जब 45 डिग्री में हमारी कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो 4000 डिग्री टेम्परेचर जब इस जोन के ऊपर पड़ता है तो इसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो 4000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस वेल्डिंग में क्रिएट होता है, तो इससे हमारी तवता भी जल जाती है। कई बार जैसे मैंने बताया था, सेफ्टी अपार्टस, सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, तो सुरक्षा साधनों का इस्तेमाल करने के बाद ही जो है हमें अपना काम करना है। ठीक है, ताकि हमें सेफ्टी के साथ काम कर सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो होता है वो
उसके ऊपर फ्लक्स का लेप चढ़ा होता है, फ्लक्स की परत चढ़ी होती है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का मिश्रण होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि इस प्रकार से हम समझते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं, वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना इफेक्ट डालती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, जैसे अगर हम घर में खाना बना रहे हैं, उसको हमने रख दिया, ठीक है, खुले में रख दिया, वो कई बार ख़राब हो जाता है, ठीक है। लोहे को तुम खुले आसमान के नीचे रख दो, दो दिन में, चार दिन में, हफ्ते में उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो जंग क्यों लग रहा है, उन गैसों की उपस्थिति के कारण। यानी कि जो वो गैसें हैं वो अपना इफेक्ट डाल रही है, उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रही है, ठीक है। तो जो ये गैसें प्रभाव छोड़ती है उससे क्या होता है, उन दूसरी चीज़ें प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं। तो वेल्डिंग में भी ऐसा ही है, अगर हम खाली एक तार का इस्तेमाल करें धातु को जोड़ने के लिए, तो क्या होता है, वो गैसें एक्टिव होती है एनवायरनमेंट में। अब हमें दिखाई तो नहीं दे रही पर सांस भी ले रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो दूसरी गैसें भी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे, पर उनका अस्तित्व तो है, ठीक है। करंट की अगर हम बात करें, करंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, पर हम किसी स्विच को हाथ लगा दें, किसी नंगी वायर को छू दें तो हमें करंट लगता है, ठीक है, वो फील करने की चीज़ है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, जब हम नंगन इलेक्ट्रोड का या बेयर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रोड बार बार चिपक जाता है, वो गैसें एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। तो उस अवस्था से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या काम करता है, वेल्डिंग के चारों ओर एक राउंड सेफ्टी सर्कल बना देता है, एक गैसीय आवरण बना देता है जल के, ठीक है, जिससे जो पिघली हुई धातु हमारी सुरक्षित रहती है, वेल्डिंग क्रिया स्मूथली पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ये फ्लक्स काम करता है, ठीक है। अगर जरा भी फ्लक्स इलेक्ट्रोड के ऊपर से हट जाएगा तो क्या होगा, तुरंत वहाँ पर वो चिपक जाएगा बेस मेटल के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रोसेस को हम पूरा करते हैं। तो आर्क वेल्डिंग जो है विभिन्न प्रकार की धातुएं जोड़ी जाती है, फेरस मेटल भी जोड़े जाते हैं इसके द्वारा, नॉन फेरस मेटल भी जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की मशीनें मैंने पहले भी बताया था इस्तेमाल करते हैं हम इसमें, एसी करंट पर आधारित मशीनें और डीसी करंट पर आधारित मशीनें, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर सेट होते हैं एसी पर आधारित जो होते हैं, उनके द्वारा हम ज़्यादातर फेरस मेटल को वेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पोलैरिटी का चयन का सिस्टम नहीं होता है। परंतु जो डीसी मशीनें होती हैं हमारी, उनमें पोलैरिटी सिस्टम होता है और उनके द्वारा हमें वेल्डिंग को बड़ी आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं, पतली सीटों को जोड़ सकते हैं, नॉन फेरस मेटल को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट का बंटवारा हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं हम, 60-40 के रेशो में करते हैं करंट को, ठीक है। तो आगे पढ़ें क्या क्या आएगा, वो चैप्टर भी स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर या जोब के ऊपर कर देते हैं। अगर जोब के ऊपर ज़्यादा कर देंगे 60% तो जोब ज़्यादा पिघलेगी, इलेक्ट्रोड के ऊपर कर देंगे तो इलेक्ट्रोड ज़्यादा पिघलेगा, ठीक है। तो पतली सीटें भी क्वालिटी का चयन करके डीसी मशीनों पर आसानी से वेल्ड की जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोड और जोड़ के मध्य आर्क बनाई जाती है और जोड़ को पूरा किया जाता है। इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल इस्तेमाल होते हैं इसमें, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, जैसे जैसे काम करोगे ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट में छोटा सा टुकड़ा बच जाएगा, जिसको हमें स्टब एंड कहते हैं, ठीक है, टुकड़े को हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये आर्क वेल्डिंग हमारी, इसके बाद हम बात करते हैं गैस वेल्डिंग की। गैस वेल्डिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। दो प्रकार की गैसें हैं ये, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन एक हेल्पिंग गैस होती है, एक सहायक गैस होती है, और एसिटिलीन जो होती है वो एक ज्वलनशील गैस होती है, ठीक है, यानी कि खुद जल सकती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई भी चीज़ कब जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। अगर हम एक कैंडल लें, एक मोमबत्ती लें, तो मोमबत्ती को जला देंगे हम और उसके ऊपर गिलास रख देंगे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो बुझ जाएगी। जब तक ऑक्सीजन रहेगी वो जलेगी, पर जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वो तुरंत बुझ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के साथ मिलाकर हम फ्लेम का निर्माण करते हैं, ठीक है।
फ्लेम बनाई जाती है, 3 प्रकार की फ्लेम बना सकते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। उनमें मुख्य रूप से शामिल होती है न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ज़्यादातर न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल हम वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो गैस वेल्डिंग की अगर बात करें तो 1896 के अंदर इसकी खोज हुई थी, इसने की थी हेनरी लुईस ली चार्टेरियर, हेनरी लुईस जी ली चार्टेरियर, ठीक है, हेनरी लुईस ली चार्टेरियर ने इसकी खोज की थी। एक साइंटिस्ट थे ये, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो 1900 तक इस पर शोध चले और लगभग 1903 ईस्वी के अंदर इंडस्ट्री यूज यानी कि इंडस्ट्री में प्रयोग होना ये शुरू हो गई थी, ठीक है। 1903 के अंदर इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये जो वेल्डिंग है हमारी, दो प्रकार की गैसों से की जाती है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडरों से गैस ली जाती है, उनको होज पाइप के माध्यम से वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, वेल्डिंग टॉर्च तक पहुंचाते हैं। वेल्डिंग टॉर्च के अंदर दो वाल्व लगे होते हैं, उनमें से एक होता है ऑक्सीजन गैस के लिए और एक होता है एसिटिलीन गैस के लिए, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन वाला होता है उसके द्वारा हम ऑक्सीजन को सेट करते हैं, एसिटिलीन वाले के माध्यम से एसिटिलीन गैस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें फ्लेम बनाना होता है, हम एसिटिलीन गैस को खोलते हैं हल्का सा और स्पार्क लाइटर से फ्लेम प्रज्वलित करते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन के द्वारा सेटिंग करते हैं और फ्लेम का निर्माण करते हैं। जब दोनों गैसें 50-50 के रेशियो में होती हैं, ठीक है, तो वहां पर न्यूट्रल फ्लेम का निर्माण होता है, ठीक है। जब 50-50 के रेशियो में होती है यानी कि 50% मात्रा ऑक्सीजन की होगी, 50% एसिटिलीन की होगी, तो वहां पर कौन सा फ्लेम बन जाएगा, न्यूट्रल फ्लेम बन जाएगा, ठीक है। तो इस फ्लेम के बाद जब से हम वेल्डिंग को पूरा करते हैं, ठीक है, फिर जोन के ऊपर इसको रखते हैं, ठीक है, और जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से एक अलग से पिलर रॉड लेनी पड़ती है। आर्क वेल्डिंग में मैंने बताया था इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जोन को भरने के लिए, और गैस वेल्डिंग में हम पिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं जोन को भरने के लिए, ठीक है। जोन को भरा जाता है इसके द्वारा, ठीक है, पिलर रॉड के द्वारा। लगभग 1 मीटर तक लंबी होती है ये, ठीक है, उसी धातु की बनी होती है जिस धातु को हमें जोड़ना है, ठीक है। अगर हम एल्यूमिनियम को जोड़ रहे हैं तो एल्यूमिनियम की फिलर रोड लेंगे, अगर हम कॉपर को जोड़ रहे हैं तो कॉपर की फिलर रोड लेंगे, एमएस माइल्ड स्टील को जोड़ रहे हैं तो माइल्ड स्टील की लेंगे, स्टेनलेस स्टील को जोड़ रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील की लेंगे, ठीक है। क्या होता है, गैस वेल्डिंग के अंदर केवल माइल्ड स्टील को छोड़कर बाकी धातुओं के साथ हमें फ्लक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो फिलर रॉड जो होती है हमारी, एक लंबी स्टिक होती है, ठीक है, इसके अगर भाग को, अगले पॉइंट को हम फ्लक्स के डिब्बे में गर्म करके डुबाते हैं और फिर यहाँ पर रखते हैं, जॉब के ऊपर रखते हैं, तो फ्लेम के टेम्परेचर से, फ्लेम के ताप से क्या होता है, जॉब पिघलती है। जब जॉब पिघलना शुरू हो जाती है तो हम फिलर रॉड के अगले सिरे को वहाँ पर रखते हैं, और रखने के बाद धीरे धीरे फिलर रॉड भी पिघलती है और गैस के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब फिलर रॉड जॉब के अंदर जमा हो जाती है तो उससे क्या होता है, जोड़ भराव शुरू हो जाता है और जोड़ वैसा ही मजबूत हो जाता है जैसा कि बेस मेटल है, ठीक है। तो ये पिघलने के बाद पूरी बेस मेटल में समा जाती है, बेस मेटल में डिपॉजिट हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, इस वेल्डिंग को भी हमें पूरा कर लेते हैं, ठीक है। दो प्रकार की विधियों से की जाती है ये, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड, वो हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड राइटवर्ड यानी कि जो एक दाएं हाथ से शुरू होकर वेल्डिंग बाएं हाथ की ओर खत्म होगी और एक बाएं हाथ से शुरू होकर दाएं हाथ की ओर खत्म होगी, ठीक है। तो जो वेल्डिंग बाएं हाथ से शुरू होकर दाएं हाथ की ओर खत्म हो रही है उसको राइट वर्ड वेल्डिंग कहते हैं, और लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में क्या होता है, जो दाएं हाथ से शुरू होकर बाएं हाथ की ओर खत्म होती है उसको हमें लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वेल्डिंग को भी हमें पूरा कर सकते हैं, पतली और मोटी दोनों ही प्रकार की जॉब इसके द्वारा जोड़ी जा सकती है।
जो 5 mm तक मोटाई की जॉब होती है वो लेफ्टवर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके जोड़ी जाती है, और जो 5 mm से ज्यादा मोटाई की प्लेटें होती है उनको हमें राइटवर्ड वेल्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करके आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यह अंतर है भी दोनों के अंदर। दोनों का इस्तेमाल हम वेल्डिंग करने के लिए करते हैं, दोनों वेल्डिंग जो ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए आपने एडमिशन लिया है उसके लिए बहुत बेस के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं ये। आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हम इनको सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे जब ये हमारी साफ हो जाएगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली हमारी पकड़ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर अंतर है। क्लियर ये चैप्टर भाई? अगर कोई इसके अंदर डाउट है, किसी प्रकार की परेशानी है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है,